दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ आईटी टेक्नोलॉजी का न्यूज अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। इन्फोसिस ने आखिरकार नया चेयरमैन सलील परेख को अपॉइंट कर लिया है। सो काफ़ी दो तीन महीनों के बाद, काफ़ी विशाल सिक्का का रिजाइनेशन के बाद, काफ़ी चल रहा था कि कौन नया सीईओ बनेगा, तो आज सलील परेख को घोषित कर दिया गया न्यू सीईओ इन्फोसिस, जो जनवरी मंथ से वो अपने पद का चार्ज लेंगे। तो सेकेंड जनवरी से अपने पद का चार्ज लेंगे इन्फोसिस में। तो चलिए हम लोग कुछ बातें जानते हैं, कौन है सलील परेख, कहाँ से आए हैं, कौन कौन से इनका बैकग्राउंड है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में कुछ हम लोग थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि हम लोग आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमें कुछ कंपनी का सीईओ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो सलील परेख का फुल नेम सलील सतीश परेख है, जो सीईओ एंड एमडी इन्फोसिस का अपॉइंट किया गया है, जिनका कार्यकाल 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, मीन 2 जनवरी सैटरडे से आफ्टरनून से स्टार्ट होगा। और ये रिप्लेस कर रहे हैं कंपनी का इंटरिम सीईओ जो यूबी प्रवीण राव है, जो चार्ज लिए थे विशाल सिक्का का, जो विशाल सिक्का का अभी आप लोग न्यूज में भी सुने होंगे कि उन्होंने अचानक से रिजाइनेशन डाल दिया था, कुछ आरोप लगाए थे इन्फोसिस के को फाउंडर के ऊपर में। तो ये इतनी बड़ी इन्फोसिस इंडिया का टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सलील एस परेख है कौन और ये कहाँ से आए पिक्चर में। तो देखते हैं 10 चीज़ें जो सलील परेख के बारे में, वो उनका करियर बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहला, सलील सतीश परेख हैज बीन हेड ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सोगेटी एंड क्लाउड सर्विसेज एंड हेड ऑफ एशिया स्पेसिफिक नॉर्थ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम एट द कैपजिमनी सिंस अक्टूबर 2016। ही वॉज ऑल्सो सर्विंग एज द मेम्बर ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट बोर्ड एट कैपजिमनी। तो कैपजिमनी एक कंपनी है, आप सुने होंगे, जिन्होंने अभी रिसेंटली आईगेट ग्लोबल सोल्यूशन को टेक ओवर किया था। उसमें भी सलील, बोला जाता है कि सलील परेख का बहुत ही बड़े हाथ है, मीन्स बहुत ही बड़ी योगदान है इतनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर करने में। तो कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड जो परेख जी का है, वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो IIT बॉम्बे से पास आउट हैं। एंड ही हैड बीन एसोसिएटेड विथ कैपजिमनी परेख फॉर ओवर 25 ईयर्स नाउ। सो 25 साल से ज़्यादा वो कैपजिमनी में काम कर रहे हैं। एंड ही ज्वाइन द कंपनी इन ईयर 1992। वो 92 में कैपजिमनी ज्वाइन किए थे। परेख हैज ऑल्सो हैव बीन ए पार्टनर विथ ईस्ट एंड अंग फॉर द 7 एंड 10 मंथ एज पर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। सो लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फॉर द 7 एंड 10 मंथ एज द पार्टनर थे ईस्टर्न एंड अंग फॉर कंपनी के लिए। उसके बाद है, बिफोर द बिकम ए डिप्टी सीईओ ऑफ कैपजिमनी ही वाज द सीईओ एप्लीकेशन सर्विसेज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ कैपजिमनी डेट इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस यूनिट ग्लोबली एंड लोकल बिजनेस यूनिट इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली ओवरऑल बात है कि कैपजिमनी को आगे बढ़ाने में, कैपजिमनी को इतनी ऊंचाई तो तक छूने में परेख जी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। सर्विसेज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU हेडेड बाय परेख देन स्पेन अक्रॉस 12 कंट्रीज एंड हैज ओवर 27,000 एम्प्लॉय। सलील इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑपरेशन कमेटी।
परेख जी ग्रुप ऑपरेशन कमेटी का भी मेंबर रह चुके हैं। परेख हैज आल्सो वर्क विथ जीएंट इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री लाइक कुछ कंपनी है जिसमें परेख सलील परेख ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस एंड मेरिल लिंच। परेख हैज आल्सो वर्क इन अदर सेक्टर लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जॉनसन एंड जॉनसन, रिटेल एंड मार्केट स्पेंसर एंड मैन्युफैक्चरिंग, हेलवेट पैकेज, लाफार्ज एंड फिलिस्टीन। वो कुछ और कंपनी में भी काम कर चुके हैं अदर देन कैपजेमिनी के अलावा। एज पर द इनिशियल मीडिया रिपोर्ट, परेख अपॉइंटमेंट वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी विच कंडक्ट द ग्लोबल सर्च फॉर ए CEO and MDO Infosys on Saturday. So, सलील परेख का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो ग्लोबली एक रिसर्च कमेटी होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो CEO को अपॉइंट करती है, वो कमेटी इन्फोसिस का कमेटी फाइनली मोहर सलील परेख पे लग गया। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज और पढ़ाई की वीडियो ट्यूटोरियल के लिए सारे टेक्नोलॉजी का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, डेटाबेस, नेटवर्किंग, C++, और उसके साथ ही मैं कुछ IT टेक्नोलॉजी न्यूज एंड अपडेट, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।